वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब मस्त हो गए, बड़े होंगे। तो भाई मैं फिर से आप लोगों के लिए क्या मस्त खतरनाक जो है वीडियो लेकर आ चुका हूँ भाई। मेरे ख्याल से जो है माहौल अभी गर्मा गर्म हो चुका है भाई। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं करता क्या है गाने के ऊपर, जो कि आया है कर्मा की तरफ से एक्स रफ्तार के साथ आया जो, और इसमें भाई जो है शॉट लिए गए हनी सिंह को और एम ए बंटा को। तो भाई मेरे ख्याल से फिर से जो है डिस वार स्टार्ट होने वाला है, बट जो है काफी लोग बोल रहे हैं भाई कि शॉट आउट दिया गया, ऐसा क्या सीन है। तो लेट्स देखते हैं भाई इसमें क्या है, भाई हनी सिंह की तरफ से क्या रिप्लाई आया और बंटा की तरफ से क्या रिप्लाई आया, तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं गाना, देखते हैं क्या है गाने में भाई जो है रफ्तार ने भाई क्या बात बोली है, ठीक है। सो और भाई इसमें एमसी स्टेन को भी जो है शॉट आउट दिया गया है, तो ऐसा जो है मुझे पता चला है जहाँ तक, बट देखते हैं कितना इसमें सच्चाई कितना क्या है। तो भाई देखते हैं इस गाने को आज, ठीक है। और भाई इस गाने का टाइटल है करता क्या है, ऐसे एक गाना था जो है बंटा का जो कि था बेटा करता क्या है, बेटा करता रहे फिर, ठीक है वो गाना था। तो थोड़ा सिमिलर लग रहा है मुझे। सो प्ले करते हैं गाने को, देखते हैं भाई क्या है इस गाने में, क्या मचा है भाई, क्या जो है सीन फिर से क्रिएट होने वाला है, क्या जो है फिर से डिस वार चालू होने मेरे ख्याल से। तो देखते हैं क्या है। 1, 2 and 3 ओके भाई, स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का दिखाया गया, ठीक है। इसको देख के मुझे भाई याद आ रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा कि जो है जो बीच में वार चल रहा था किंग का और बंटा का, तो यहाँ लग रहा है कि भाई जो बोले थे नंबर वन में हूँ, नंबर वन में हूँ, तो इसके रिप्लाई में यहाँ पर मेरे ख्याल से रिप्लाई में नहीं, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर शॉट दिया गया है कि भाई सब अलग अलग जो है यहाँ पर अवार्ड लेकर खड़े हैं, और यहाँ पर अलग अलग जो है भी देखना, यहाँ पर कर्मा जो है पिज्ज़ा खाते हुए आराम से चिल करते हुए आ रहे हैं भाई, तो यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है। और ये मेरे ख्याल से भाई मिंटा को बीच में शॉट लिया गया है, ठीक है, कि पोजीशन के लिए यहाँ पर सब लड़ रहे हैं भाई। ओके कर्मा एक्स रफ्तार यो यो ये सोचते क्या सोच के लिखता है लड़का बहुत कर्मा का बारी भी शब्द कोश से नहीं लिखता, शब्द खोज के लिखता है पेपर नोट्स में जो कोट्स लिखे नोट्स में बिकते हैं, जिसने मिलके दिल तोड़ा था उसको मिलने को तड़पा है लड़का। रोलिंग पेपर ये तो रोज की चर्चा है कितनी पीटे चोदी, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। लड़का राइमिंग बहुत करता है और अब परियों में चर्चा है वो सब चाहते। और भाई इस गाने के बाद ना हनी सिंह ने भी रिप्लाई दिया था, ठीक है, उनके मैनेजर ने रिप्लाई दिया था, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट पहले गाना देखते हैं भाई क्या है इसमें। दिखता सब पर इनकी तरह करता स्टॉक नहीं, ये मैं भाई रफ्तार चिल कर रहे भाई, हिप हॉप की वेल आई कैन बी कॉर्नी बट नेवर कैन बी ऑफ बीट सो फक यू व्हेन योर टॉप 3 को सरपास करता, ये पूछे करता क्या है बेटा करता क्या है, वो वाला वाइब आ रहा है मुझे भाई जो बनता है यहाँ पर भाई, मुझे वो वाला वाइब आ रहा है जो बंटा का एक गाना था ना जो है बेटा करता गया है बेटा करता रहे, तो वो गाने से मुझे भाई सिमिलर लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि छोड़ लिया गया है, ठीक है, लेट्स देखते हैं करता क्या है। यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर सुनो भाई स्टेनी को जो है छोड़ दिया गया जो कि किंग का गाना आया था स्टेनी इन सबकी माँ, तो यहाँ पर उस बात को यहाँ पर रफ्तार ने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से गाली देने वाला सीन हो रहा है, ठीक है, देखते भाई 100% भाई मैं बंटाई को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भाई कसम बनने बैठे छपरी को देंगे विम को नई फीचर ट्रैक टीचर जैसे ऐसे लिखा पोर्शे में ये खोजे होरोस्कोप पर सोचे आज मेरा दिन तो नहीं भाई तेरा उलझा बुद्धि में मुद्दा था बुद्धि की शुद्धि तो छुट्टी में भाई कुश्ती है रिश्तों की पुष्टि में मुफ्ती न मिलता मैं शब्दों की कुश्ती में जिंदगी बीती है पार कलिंदी की कूदा मैं सिंधु मेरे बदे का पिंडी में रुस्तम हिंदू में चुस्तु में हिंदी में मात्रा ना बिंदी तू आता ना गिनती में स्मूथ कर्मा घूमा गोल डर की बंदा जस्ट भाई गाना हार्ड है, ठीक है, गाना भाई खतरनाक है मेरे ख्याल से भाई। इसके बाद किसका डिस्ट्रैक आने वाला है, कौन भाई डिस डालने वाला है, कौन रिप्लाई करने वाला है, सब भाई पता चल जाएगा, ठीक है। बट अभी ये गाना भाई काफ़ी जो है मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी होने वाला है भाई। ग्लोरी होल भाई यहाँ पर सुनो भाई, यहाँ पर
यहाँ पर भाई जो है जो हानी सिंह को भाई बोला गया है, जो पाजी को बोला गया है, ठीक है, जो ग्लोरी एल्बम अभी आया फिलहाल में आप लोगों को तो मालूम ही होगा। तो यहाँ पर भाई रफ्तार ने छोड़ लिया है भाई हनी सिंह के ऊपर। भाई सीन हार्ड होने वाला है भाई। बनके मूर्ख समझा सबका सूरज चढ़ता कहाँ है, टॉप थ्री सारे मेरे, मेरा दर्जा क्या है, सर ना खाएं। ये 100% भाई डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है, 100% भाई, ये 100% डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है भाई। ये करता क्या है कर्मा एफटी रफ्तार। ओके खत्म हो गया भाई गाने क्या। तो भाई ये था भाई आज का गाना, ठीक है, और भाई एक मिनट हेडफोन को निकाल दिया जाए। तो भाई ये था गाना आज का भाई, जो कि भाई मैं तो बोलूँगा भाई ये डिस्ट्रैक्ट ही है, जो कि इसमें कई सारे शॉट लिए गए हैं। तो हनी पाजी का तो क्लियर है भाई, ग्लोरी एल्बम जो कि डायरेक्टली नाम लिया गया है, और उसके बाद भाई जो कि बंटाई को भी शॉट लिए गए हैं, वो MC स्टैंड वाला जो कि क्लिप डाला गया है उसके रिलेटेड। तो भाई ये मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्ट ही है। और आप लोगों को क्या लगता है भाई, डिस्ट्रैक्ट है या एक नॉर्मल गाना है या कोई शॉट आउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद भाई जो है हनी सिंह ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट उनके मैनेजर ने भाई रिप्लाई दिया था, तो ऐसे ही कुछ सीन है। और बंटाई की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो देखते हैं क्या होता है। कि भाई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दे भाई, मुझे तो काफी मजा आया, काफी पसंद था, ठीक है। और ये डिस्ट्रैक्ट है भाई मेरे ख्याल से, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई क्या डिस्ट्रैक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।